हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल निटिंग लेजेंड रीना आप सबको स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक चोकर वाला थलपोस लेके आई हूँ। ये मैंने पर्पल और पिंक कलर यूज़ किया है। 4 प्लाई वूल है। मेरा क्रोशिया नंबर है 9। मेरा क्रोशिया हुक है 9 नंबर है। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इसका बनाना। पहले हम 6 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन लेके राउंड बनाना है। 1 2 3 फिर इसके अंदर हम 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम 16 पूरा भर लेंगे, 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे, ठीक है। ये 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से उल को घुमाएंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे, फिर से इसके अंदर से फिर 1 2 3 4 फोर टाइम हम घुमा लिया। उसके बाद 1 चेन लिया और देखिए ये 2 छोड़ के यहाँ पे हम 2 बना लेंगे। फिर हम 1 चेन लेंगे, फिर 2 छोड़ के इसी तरह से उनको घुमाएंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे, फिर बीच में हम हमेशा 2 चेन लेंगे और फिर से 4 टाइम घुमाएंगे। वन चेन लिया और फिर यहाँ पे 2 छोड़ के 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन, फिर 2 छोड़ के फिर 1 2 चेन। फिर 1 चेन, फिर 2, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया। किस तरह से देखिए कंप्लीट किया मैंने, ये देखिए, ये जो हम धागा को घुमा घुमा के लिया था ये एक बनाया, 2 चेन लिया, फिर इसी के अंदर से फिर से एक बना लिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर धागा जो हम घुमा घुमा के लिया था ये वाला, फिर हमारा 2 डबल क्रोशिया। हमारा टोटल 8 है। देखिए ये हम जो धागा घुमाए थे ये 4 1 2 3 4 और ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाया था। यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। हमें क्या करें, 2-2 करके छोड़ के इस तरह से हम बना लिया है। फिर हम इसमें देखिए 1 2 यहाँ पे आना है। हमें 1 2 चेन लेके इसके बीच में आना है। 1 2 3 फिर हम यहाँ पे ऊट को इस तरह से घुमाएंगे 4 टाइम।
एक दो चेन, फिर से यहाँ पे वन टू थ्री, अगर मोटा हुल होंगे तो आप तीन बार भी घुमाने से चलेंगे, अगर बारीक हुल होगा तो फोर्थ टाइम घुमाइएगा। एक दो, फिर हम यहाँ पे एक चेन लिया था और यहाँ पे देखिए हमारा ये टू डबल क्रोशिया था, यहाँ पे हमारा फोर हो जाएंगे। फोर हो गया अभी हमारा एक चेन, और यहाँ पे फिर से हम धागा को घुमाएंगे। वन चेन, यहाँ पे टू था तो यहाँ पे हमारा फोर हो जाएंगे। इस तरह से फिर वन टू, यहाँ पे भी हम फोर डबल क्रोशे बना लेंगे, वन टू थ्री और अगले में फोर हो गया, फिर वन वन चेन और यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। इसका इस तरह से कोना बनेंगे, फिर से हम शुरुआत करेंगे इसी तरह से। पहले हम थ्री चेन ले लेंगे, फिर हम उनको इस तरह से घुमाएंगे। वन टू चेन, पे क्या करेंगे हम फर्स्ट बार वन चेन लिया था, अभी हम टू चेन लेंगे। फिर हमारा यहाँ पे जो हमारा फोर था, देखिए टू था उसके बाद फोर हो गया, अभी उसके बाद हमारा सिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे वन ऊपर इसका टू, फिर इसके ऊपर थ्री, फिर इसी के सीधा फोर और ये फाइव, लास्ट का जो यहाँ पे है सिक्स।
फिर 1 2 चेन, फिर 1 2 चेन। फिर यहाँ पे हम ऊन को घुमाएंगे, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पे हमारा 6 हो जाएंगे, 2 3 4 5 6, और फिर 1 2 चेन। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैं ये यहाँ तक बना लिया, उसके बाद हम फिर से बीच में आ जाएंगे, 1 2 3। टू चेन लिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो करके बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा चेन लिया है, इस चेन के अंदर 2 बार बनाएंगे, उसमें 2 बनाएंगे, और बाकी जो हमारा ये जो चेन है, हर एक चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 बनाएंगे, क्योंकि हम ऊपर की तरफ बनाते हुए जहाँ बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम 2 2 करके बढ़ाएंगे, नहीं तो ये नहीं बनेंगे, कटोरा जैसे बन जाएंगे। तो इसलिए हम इस चेन पे भी 2, इस चेन पे भी 2, इस तरह से हर बार इसी को इस तरह से बनाइएगा। फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी हम 2 चेन लेंगे, वन टू चेन लेंगे, और यहाँ पे भी हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे चेन के अंदर, उसके बाद हर एक चेन के अंदर 1 1। इसको खाली इसी तरह से बनाना है बस, इसमें और कुछ नहीं है। आगे इसी तरह हम बढ़ाएंगे, जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से हर बार इसी तरह 2 2 बांटते हुए जाएंगे, बस इसमें और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। 2 चेन लेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें इतना बना लिया है, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे एंड कर देंगे। पे 2 2 ले लेते हैं, और देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 2 हमने चेन लिया था, लेकिन जब हमारा ये बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हम 3 3 चेन लेना शुरू किया, तो यहाँ पे हम 3 चेन लिया और यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे। यहाँ से 2 चेन लिया और इसके बीच में आ गए, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे 3 3 6
सिक्स नहीं, 3 4 4 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 4 बना लिया और यहाँ पे 2 चेन डाल देंगे और इस तरफ भी हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 चेन, ठीक है, हर बार हम यहाँ पे 3 चेन ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम 2 बना लेंगे, इस तरह से हम ये वाला जो लाइन है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 चेन ले लेंगे। इस तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे, 2 चेन लिया और यहाँ पे भी 4, फोर फोर 8 और 2 चेन। इस तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन लिया और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से हम ये पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से बनाया है। देखिए कुछ इस तरह से फ्लावर जैसे मैंने इसको थोड़ा डेकोरेशन किया है इसको इस तरह से। देखिए मैंने इसको फिर दिखाते हैं कैसे मैंने बनाया है इसको। देखिए ये वाला जो पिंक कलर है, यहाँ पे हम धागा को इस तरह से डाल देंगे, इसको बांध लेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा धागा बाहर पीछे की तरफ कर दीजिएगा इस तरह से। यहाँ से क्रोशिया डालिए इस तरह से, धागा को इस तरह से निकाल लीजिएगा और हम यहाँ पे 1 2 3 चेन डाल देंगे। 3 चेन डालने के बाद ये वाला जो गैप है, इस गैप में इस तरह से फिर 1 2 3, फिर हमारा जो दूसरा गैप है यहाँ पे इस तरह से, फिर 1 2 3 इस तरह से 3 3 चेन लेंगे हर बार। ये जो गैप है यहाँ से धागा इस तरह लेंगे, 2 हो जाएंगे, 2 को एक करना है, 1 2 3 3 चेन लेंगे। यहाँ से हम धागा को खींच के बाहर करेंगे और ये जो 2 है 2 को एक कर देंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लास्ट यहाँ पे इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से लाइन बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 1 2 चेन लेंगे और ये हमारा जो फर्स्ट क्रोशिया है ऊपर का चेन है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में 3 में फिर 4 और यहाँ पे जो हम 2 चेन लिया था यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। फिर फर्स्ट में जो है यहाँ पे 1, फिर 2,
तीन, ये चार, फिर वन टू चेन, यहाँ पे हम टू चेन लेंगे, यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे, फिर यहाँ से वन टू थ्री, थ्री चेन हमारा स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर हम इस तरफ से वन टू थ्री इस तरफ से डालना है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री थ्री चेन, और इस तरफ से धागा को लेके दो को एक करना है। आप चाहे तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। लास्ट का जो पिंक कलर है यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, धागा को कट कर देंगे। देखिए ये वाला धागा जो है तो टाइट करके इसको इधर से पीछे की तरफ कर दीजिए, ठीक है, पीछे की तरफ कर दिया है, कुछ इस तरह से हमारा बन गया है। अभी हम इसमें ज्वाइंट करेंगे ग्रीन कलर, ये ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हम ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो गैप है यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, और ये वाला जो एक है यहाँ पे हम इसको जॉइन कर देंगे, वन टू थ्री लेंगे, फिर थ्री डबल क्रोशिया, टू छोड़ के यहाँ पे हमें टोटल सेवन बनाना है, सेवन मैंने ये वाला या पापड़ी वाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन हमें बनाना है। तो इसमें वन टू थ्री, थ्री चेन लिया, दो छोड़ के यहाँ पे हम इसको वन टू थ्री, दो में वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री, फिर हम यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे, और यहाँ पे एक बना लिया, और इस पीछे इसको एंड कर देंगे, धागा को हम कट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो धागा है पीछे की तरफ करना है इसको इस तरह से, इस तरह से हम धागा को कट कर लेंगे, और यहाँ पे हम मोती ऐड किया है, देखिए ये वाला व्हाइट कलर का मोती मैंने ऐड किया, इधर मोती ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पिंक कलर का धागा ज्वाइन किया, ये किनारा पे हम पिंक कलर का धागा ज्वाइन किया है, वन टू थ्री, थ्री चेन लिया, फोर्थ टाइम इसको लिया, एक चेन बनाया,
फिर यहाँ पे जो चेन था यहाँ पे फिर से हम 4 बार घुमाएंगे, फिर इसको इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे, ठीक है। फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे, 4 छोड़ के इसको जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4, 4 चेन लिया और सेकेंड वाला चेन में हम इसको 4 टाइम इसको घुमा लेंगे, 1 चेन लेंगे। फिर फर्स्ट वाला ये जो चेन है यहाँ पे हम 4 बार घुमाएंगे, इसको इस तरह से बंद कर देंगे, इसको इसके साथ जॉइंट करेंगे 1 2 3। फिर 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट वाला चेन में भी बना सकते हैं, सेकेंड वाला चेन में भी बना सकते हैं इसको, जो हम बना रहे हैं इसको। वन टू थ्री फोर, फिर 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से इस वाला लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने ये बना लिया, ये हमारा 3 बचा था, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे इसको धागा को इस तरह कर लेंगे। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 चेन लेके हम इसको इस तरह से धागा को इस तरफ लाना है, तो हम इस तरह से बना दिया है। फिर यहाँ से हमारा शुरुआत हो जाएंगे, 3 चेन लिया, फर्स्ट वाला चेन है फ्रेंड्स, ये वाला जो हम बना रहे हैं ये वाला हम नॉर्मल ऊन से हमारा बहुत अच्छा बनते हैं। मेरे पास ये ओसवाल का ऊन, स्वेटर वाला ऊन था, तो इसका मैं इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन आप लोग बनाएंगे तो, क्योंकि इसका जो ये निकला हुआ है ये सब फंसते हैं क्रोशिया में, तो नॉर्मल वाला ऊन से आराम से बनते हैं उसका। चेन और हम 4 छोड़ देंगे और फिर 1 2 3 4, फर्स्ट वाला चेन में हम इस तरह से 4 टाइम निकाल लेंगे, 1 2 चेन। फिर ये वाला जो चेन है चार, वन टू थ्री, फिर हम 1 2 3 4, 4 लाइन हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम इनको दिखाएंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, इसमें मैंने ग्रीन कलर का एक मोती यूज़ किया है और इस तरह से हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।